दोस्तों, वो आज भी की एक रेसिपी कुछ इकोनॉमिक खास आइटम है। है। आज हम देखने जा रहे हैं अरबी के पत्ते के पकोड़े। तो अरबी के पत्ते के पकोड़े के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, देखते हैं अगले वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी के पत्तों की बड़ी। ये महाराष्ट्र में इसे आड़ूची वड़ी ऐसे बोला जाता है। तो इसके लिए हमने क्या क्या लिया है, ये 3 कटोरी हमने बेसन लिया है और 1 कटोरी चावल का आटा। इसके साथ इसमें जाएगा हल्दी 1.5 चम्मच, 1 चम्मच हींग, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच जीरा और धनिया का पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच लहसुन और जीरे का पेस्ट, 1.5 चम्मच तिल, और ये मैंने इमली भिगो के रखी है। अरबी के पत्तों से गले में खुजली होती है, इसलिए इसमें इमली डाली जाती है। अगर आपके पास इमली अवेलेबल नहीं है तो आप 1 नींबू का रस डाल सकते हैं इसमें। अब हम ये इसमें मिक्स करेंगे सब। अब ये हम थोड़े थोड़े पानी के साथ मिक्स करेंगे, ज्यादा पतला भी नहीं करना है हमें। थोड़ा थोड़ा ये मैंने मिक्स किया है। अब इसमें जाएगा ये इमली का पानी, ऐसे निचोड़ के लेना है ताकि इमली का पल्प सारा पानी में मिक्स हो जाए। मैंने उस हिसाब से ये गाढ़ा रखा है, ये भी पानी उसमें जाएगा। मैं लास्ट में आपको बताती हूँ कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है आपको। अब ये मिक्स करेंगे अच्छे से। इमली नहीं हो तो आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कुछ तो खट्टा डालना पड़ेगा नहीं तो गले में खराश होगी। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। धो के रखे हैं हमें ये जो हमने मिक्सचर बनाया है ये इस पर अप्लाई करना है और इसका रोल बनाना है। तो रोल टूटे नहीं, इसलिए ये जो बीच वाला स्टेन है हमें इस पर ऐसे बेलन घुमाना है ताकि अच्छे से रोल कर सके। ऐसे सारे पत्तों पर हमें बेलन घुमाना है। ये जब अभी मैं रोल बनाने जा रही हूँ तब तक मैंने एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रखा है। ये इडली का पॉट है, इसमें पानी गर्म करने के लिए रखा है मैंने। पत्तों को इस साइड में नहीं, ये पीछे की जो साइड है यहाँ पे हमने ये बेसन लगाना है। अब ये कंसिस्टेंसी देखिए, इस तरह से हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अप्लाई करना है, पत्तों पे सब जगह लगाना है। बड़ा पत्ता नीचे आना चाहिए, उस
उसके बाद हम छोटे पत्ते लगाएंगे। अब ऐसा रखेंगे ये पत्ता, ध्यान से देखिए ऐसे ही रखना है हमें। छोटे छोटे पत्ते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसे फटा हुआ हो तो भी। अब मैं आपको दिखाती हूँ उसको रोल कैसे करना है ताकि ये अच्छे से पैक हो जाए और रोल निकले नहीं। ये साइड अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ, ऐसे थोड़ा सा ये मिक्सचर लगाना है। अब ये ऐसे फोल्ड करना है हमें। यहाँ पे भी लगाना है, ये चिपक जाएगा अच्छे से। फिर इस तरह से हमारा ये रोल रेडी है। अब मैं ऐसे बाकी रोल भी बनाती हूँ। हमें ये स्टीम करना है तो मैंने ये इडली का पॉट लिया है। तो ये जो इडली का बर्तन है इस पर हम तेल लगाएंगे और उसके ऊपर ये रोल रखेंगे और स्टीम करेंगे। इस तरह मेरे रोल बनाकर रेडी है। अब मैं इसे स्टीमर में डाल दूँगी। पहले 10 मिनट के लिए फ्लेम हाई रखनी है और फिर आगे 15 मिनट हमें लो फ्लेम पे कुक करना है। अभी 20 से 25 मिनट हो गए हैं, हम देखते हैं। इसमें ऐसे डाल के देखेंगे, पक गया अच्छे से ये। अब ये ठंडा होने के बाद इसे काटेंगे और फिर फ्राई करेंगे तेल में। ये ठंडा होने के बाद अब हम इसे कट करेंगे। ठंडा होने देना है अच्छे से, नहीं तो ये टूट जाएगा। हमने चावल का आटा डाला है इसलिए ताकि ये क्रिस्पी बने। तेल गरम हो रहा है यहाँ पे, अभी हम तलेंगे इसमें। इसे गरम होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, तेल बहुत ज्यादा उबल चुका है। एक 1.5 मिनट ऐसे ही रखना है, फिर पलटेंगे हम इसको। अगर जल्दबाजी में पलटेंगे तो टूट जाएंगे। पलटेंगे इसे, देख सकते हैं अच्छा ब्राउन कलर आ रहा है अंदर तक। ये फ्राई हो चुकी है, अभी हम इसे निकालेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी, बहुत ही टेस्टी है, बहुत आसान है। अगर आप उबली हुई वो स्टीम की हुई भी वो रोल काट कर ऐसे उसके ऊपर तड़का लगा के भी खा सकते हो, अगर आप हाई मतलब हेल्थ कॉन्शियस हो तो। और तल के भी बहुत अच्छी लगती है क्रिस्पी। ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ये वीडियोज़। थैंक यू सो मच।